हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स, जिसमें आपको हम सीखेंगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, किसी कंपाउंड में किसी मॉलिक्यूल्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, और प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताया गया था, तो यहाँ पर आई बटन का लिंक मिलेगा, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ स्पेशल कंपाउंड में ही हम आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्लास वाला वीडियो बताया था हमने कि एल्केन, एल्किन्स और एल्काइन्स में कैसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो अगर उसको सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, यहाँ से जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन बेंजीन। कह रहा है कि बेंजीन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने बनाया उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। जी, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये हो गया बेंजीन का फॉर्मूला। उसके बाद पता होना चाहिए कि आपको इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला हमने बनाना शुरू किया, यहाँ पर कार्बन। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कि ये कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, कभी डबल बॉन्ड होता है तो कभी सिंगल, और एक एक यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन होता है, एक एक क्या होता है हाइड्रोजन होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। बात समझ में आ गई, एक एक क्या होता है हाइड्रोजन होता है। क्लियर समझ में आ गई। 1 2 3 4 5 6 छः गो कार्बन है, और 1 2 3 4 5 6 छः गो हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है कि इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में आपको जो कार्बन दिख रहा है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका प्रसंस्करण क्या है, कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो तीन तरह की ही होती है, कभी sp होता है तो कभी sp2 होता है तो कभी sp3 होता है, तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। और ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पर, किसके आधार पर, सिग्मा बॉन्ड के आधार पर निकाला जाता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आएगी तो उसको sp बोलते हैं, अगर 3 आएगी तो उसको sp2 बोलते हैं, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 आएगी तो हम sp3 बोलते हैं। अब बात आती है कि सिग्मा बॉन्ड और क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड में कब आपको 2 आएगा, कब 3 आएगा, कब 4 आएगा। तो ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड में ध्यान देंगे, जब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, जब कार्बन एटम के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि सीधी सी बात समझे कि जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड होता है, जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड भी होता है। ठीक है, अगर अगर डबल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, जब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ होगा, तो वहाँ पर क्या होगी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्लियर बात समझे, कि सिंगल बॉन्ड जब होगा तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, तो जितना सिंगल बॉन्ड उतना सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो जितना सिंगल बॉन्ड उतना ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब क्योंकि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 होती है, अगर कोई डबल बॉन्ड के साथ है तो उसको sp2 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो तो sp होती है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका होगा। ध्यान देंगे, एक बात और याद रखे रहेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड बने, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा, जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा।
सिर्फ सिंगल बॉन्ड बने, और जब डबल बॉन्ड बन जाए तो एक को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, दूसरा को पाई बोलते हैं। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एक को सिग्मा बोलेंगे तो दूसरे को पाई बोलेंगे। जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक को सिग्मा बोलते हैं, दो को पाई बोलते हैं। बात समझ आ गई? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कि जब सिंगल बॉन्ड आ जाए तो सिर्फ क्या होता है, सिग्मा। जब डबल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा, दूसरा पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक सिग्मा, दो पाई। सिग्मा का सिंबल ऐसे है, ठीक है। सिग्मा का सिंबल आपको ऐसे होता है, सिग्मा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा, दो पाई होता है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही कैलकुलेशन किया जाता है, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब चीज़ ध्यान देंगे कि अब हम देखेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो चूंकि कार्बन तो छः है और छः कार्बन एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसा ही है, तो किसी एक कार्बन का हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन जानना चाहते हैं, तो देखिए ये कार्बन के साथ एक यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पर हो गया, फिर एक कार्बन यहाँ पे अटैच है तो ये भी तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। लेकिन ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया है तो एक सिग्मा तो दूसरा पाई, यानी टोटल कितने सिग्मा हो रहे हैं, ध्यान देंगे। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो गया। ये तो ऊपर वाला पाई है, तो कितने सिग्मा हो रहे हैं इस कार्बन के अगल बगल, कितने सिग्मा हो रहे हैं, एक दो तीन, तीन वो सिग्मा हो रहे हैं ना। तो तीन सिग्मा का मतलब क्या होता है, तीन सिग्मा मतलब sp2, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यानी कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका भी sp2, 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 सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कहाँ, बेंजीन में, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक बहुत बहुत अच्छा है, वहाँ से भी आपको पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसको अरेंज कर दें। अब चलिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, समझ में आ गए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि साइक्लो जो हेक्सेन है, क्या है, साइक्लो जो हेक्सेन है इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, साइक्लो जो हेक्सेन है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेन आपको जानना पड़ेगा क्या होता है जी, साइक्लोहेक्सेन आपको होता है जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो, यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो एक कार्बन यहाँ पर, 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 एक कार्बन, ठीक है। और दो दो कार्बन होता है, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, और दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, ये दो दो हाइड्रोजन यहाँ पर, हो गया। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12। समझ में आ रही बात, C6H12, ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, दो चार छः आठ दस बारह, कंप्लीट है। कार्बन छः को है, हाइड्रोजन 12 को है।
अब एक चीज आप ध्यान देंगे, क्या बताया गया है आपको, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो किसी कार्बन को बता लीजिए, क्योंकि सब कार्बन एक जैसा ही है, तो किसी कार्बन वाले, मान लीजिए इस कार्बन का हम बता रहे हैं, तो इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, कितने हो गए, चार। तो हमने बताया कि जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या चार हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्या होगा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। कि जब सिग्मा बॉन्ड हो तो क्या होता है, sp3, चार गो सिंगल बॉन्ड है तो चार गो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके अगल बगल आपको देखना है कि कितने सिंगल बॉन्ड है, उसको सिग्मा बॉन्ड कैसे बोलेंगे, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गई बात, कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बनता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ देता है कि बताइए टोटल सिग्मा क्या कितना होगा, कोई पूछ सकता है, कोई स्ट्रक्चर दे देगा, बोल देगा कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बताइए, कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बताइए। तो टोटल सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ले लीजिए ए दो चार छ आठ दस बारह, बारह को हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड बारह को है, तो बारह को ए हो गया, और तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, टोटल कितना हो गया, टोटल सिग्मा बॉन्ड अठारह है। और यहाँ पर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड आया ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आया ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हो सकते हैं, पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में एक ऐसा ट्रिक्स लेके आएंगे कि कोई भी कंपाउंड में किसी भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन बेहतरीन ट्रिक्स से निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ पर तो सिर्फ कार्बन का था, लेकिन अगले क्लास में ऑल एलिमेंटों का हाइब्रिडाइजेशन बताने वाले हैं। तो अगला क्लास वाला भी वीडियो बना देख लीजिएगा लोग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें और लाइव स्ट्रीमिंग करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ध्यान देंगे लाइव स्ट्रीमिंग डेली रात में 9 बजे होती है। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।